दोस्तों नमस्कार। आईसीआर के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कोर्स के अंतर्गत, चाहे फिर वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स करिकुलम हो, चाहे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करिकुलम हो, दोनों ही डिग्री प्रोग्राम्स में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। जब बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पोस्ट हार्वेस्ट का कोर्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन करके एक सिंगल कोर्स होता है, और बीटेक में दो स्प्लिट कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस एक अलग कोर्स है, और प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करके एक, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करके एक अलग से कोर्स आता है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन का कोर्स दोनों ही डिग्री प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो अब ये कोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट का एक अकेला ही कोर्स है डिग्री प्रोग्राम में और एग्रीकल्चर के डिग्री प्रोग्राम में, और एग्जामिनेशन में चाहे फिर वो जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो, एसआरएफ का एग्जामिनेशन हो, और नेट के एग्जामिनेशन हो, या और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन जरूर आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक, फर्स्ट जो टॉपिक है इस कोर्स का, तो हम लोग करने वाले हैं प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। तो किस प्रकार से प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को अफेक्ट करते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको कि किस प्रकार से प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट आप उसमें रिलेटेड। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा, और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कोर्स की। जैसा कि मैंने बताया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में दोनों में पढ़ाया जाता है प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। तो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस प्रकार से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, और किन कंडीशंस में वो अफेक्ट करता है, किस लेवल पे अगर प्रिकॉशन करी जाए तो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि प्री हार्वेस्ट फैक्टर कौन कौन से हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। प्री हार्वेस्ट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हार्वेस्टिंग से पहले ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी एनहांस की जा सके, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेबिलिटी एनहांस की जा सके, और हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो, तो ये कौन से प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स हैं? जेनेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स। तो चार कैटेगरीज हैं जिसमें हम प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स विच आर रेलिवेंट टू द सीड्स और द जर्म प्लाज्म ऑफ द प्लांट और द स्पीसीज और द वराइटी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स द प्लेस वेयर इट इज ग्रोइंग एंड हाउ इट इज बींग कल्टिवेटेड। देन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, वॉट काइंड ऑफ सॉयल एंड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वी आर डूइंग, सो दैट इज द थर्ड फैक्टर। एंड देन द कल्चरल प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इरिगेशन, वीडिंग, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे विल बी कमिंग इन द कल्चरल प्रैक्टिस। तो आज इन चारों फैक्टर्स की बात करेंगे और इसके इन्फ्लुएंस को देखेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जैसा कि आपको पता है जेनेटिक फैक्टर लार्जली वराइटी से रिलेटेड होता है कि वराइटल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए वराइटल करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वराइटल करेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस में वो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट देते हैं। अगर स्टोरेज के बाद कलर डेवलपमेंट होना हो किसी पर्टिकुलर वराइटी में, से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एक्स वराइटी है उसमें अगर कलर डेवलपमेंट होता है तो वो कलर डेवलपमेंट होगा ही होगा, एंड इट विल डेवलप द कलर। सिमिलरली अगर किसी में साइज का करेक्टरिस्टिक्स है, शेप का करेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्म का करेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारे के सारे वराइटल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और वराइटल सिलेक्शन इस हिसाब से किया जाता है ताकि पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, जो डिजायर्ड क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से हम लोग सुटेबल वराइटीज को सेलेक्ट करें। तो पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स विच इंक्लूड्स द साइज, द कलर, शेप, फॉर्मनेस, स्वीटनेस, एसिडिटी, एस्ट्रिंजेंसी, अरोमा, रेस्पिरेशन रेट एंड शेल्फ लाइफ। तो बहुत हद तक ये फैक्टर्स जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स से गवर्न होते हैं। तो अब ये प्री हार्वेस्ट फैक्टर है कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर वैरायटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स वो डिस्प्ले करेगा जब वो पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में भी जाएगा। फिर वो चाहे कलर्स, साइज, शेप से रिलेटेड हो, फिर चाहे फर्मनेस, शेल्फ लाइफ से रिलेटेड हो, फिर चाहे स्वीटनेस, टेस्ट से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स वो शेल्फ लाइफ के दौरान एक्सप्रेस करता है। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर मैंगो का एग्जाम्पल ले तो आपने देखा होगा कि कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो फाइब्रस होती हैं बहुत ज्यादा,
तो जो वैरायटी फाइब्रस है वो स्टोरेज में फाइब्रस के करेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगी, क्योंकि मैंगो को हम लोग जल्दी हार्वेस्ट कर देते हैं और हार्वेस्ट के बाद उसकी आर्टिफिशियल फाइबरिंग करी जाती है। तो अगर हम ये सोचें कि कोई वैरायटी फाइब्रस है और स्टोरेज में रखने से या पोस्ट हार्वेस्ट में कुछ भी करने से उसकी फाइब्रसनेस कम हो जाएगी, तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट है और बहुत हद तक ये चेंज नहीं किया जा सकता। सो दैट इज वाई दीज आर द जेनेटिक फैक्टर्स एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन नॉट बी चेंज लार्जली टू 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 ए लार्ज एक्सटेंट। तो पहला फैक्टर था जेनेटिक फैक्टर। दूसरे फैक्टर पे अगर हम लोग आते हैं, सो दीज आर द क्लाइमेटिक फैक्टर, भी किस प्रकार के क्लाइमेट में प्लांट ग्रो कर रहा है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर से पोस्ट हार्वेस्ट चीजों को कैसे, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स को कैसे रिलेट किया जा सकता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर विल बी द टेम्परेचर। टेम्परेचर पहला क्लाइमेटिक फैक्टर है जिस पे की पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी डिपेंडेंट होती है। तो एज ए जनरल रूल, हायर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द फील्ड कंडीशन, लोअर द शेल्फ लाइफ। भाई अगर फील्ड कंडीशन में ज्यादा टेम्परेचर होगा तो शेल्फ लाइफ कम होगी। इसका रिलेशनशिप कैसे माना जा सकता है कि अगर फील्ड कंडीशन में ज्यादा टेम्परेचर है तो रेस्पिरेशन रेट्स हायर होंगे, और जब रेस्पिरेशन रेट्स हायर होंगे तो शेल्फ लाइफ कम होगी। तो दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड, हायर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द फील्ड कंडीशन, लोअर विल बी द शेल्फ लाइफ। सिमिलरली द डाइयूर्नल टेम्परेचर मीन्स डे नाइट टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है। सो द डाइयूर्नल टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द कलर एंड ईज ऑफ पीलिंग इन सिट्रस। सिट्रस में ये देखा गया है कि डाइयूर्नल टेम्परेचर जो ईज ऑफ पीलिंग है एज वेल एज कलर है, दोनों चीजों को अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के टेम्परेचर चाहे मैक्सिमम मिनिमम हो चाहे डाइयूर्नल टेम्परेचर हो, ये पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटीज को अफेक्ट करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द ह्यूमिडिटी। जो भाई एटमोसफियर की ह्यूमिडिटी है वो कितनी रहती है प्री हार्वेस्ट स्टेजेस के दौरान। तो आपने देखा होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो रॉटिंग के इंसिडेंसेस हो जाते हैं ज्यादातर। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग ग्रोथ भी जो है वो भी रॉटिंग इंसिडेंस और पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को अफेक्ट करता है। सो इट मे एनकरेज द अकरेंस ऑफ फंगल एंड द बैक्टीरियल डिजीज ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। इसका रीजन क्या है, बेसिकली रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ह्यूमिडिटी रहेगी ग्रोथ के दौरान, बहुत ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी रहेगी तो उस वक्त जो फंगल कल्चर है वो फ्रूट के सरफेस पे या जहां जहां पे उसको छुपने की जगह मिलती है वहां वो हाइबरनेट करेगा, और उसके बाद जब स्टोरेज में उसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी फिर वो वहां पे ग्रो करता है। अगर ह्यूमिडिटी जो प्लांट ग्रोथ है उसके दौरान कम है तो ऑब्वियसली वो फंगल ग्रोथ और जो कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर, फंगल कल्चर जो फ्रूट के ऊपर आ सकता है तो वो कम आएगा, कम सर्वाइव करेगा और फिर स्टोरेज में भी कम रॉट्स होंगे। इस प्रकार से ह्यूमिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये आप देख सकते हैं कि अनियन में स्टोरेज रॉटिंग की एक प्रॉब्लम इसमें दिखा रहे हैं। सिमिलरली ये कैप्सिकम है और स्ट्रॉबेरी है और फिर बहुत सारे मैंगोज हैं। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के स्टोरेज रॉट, तो दीज में भी एनकरेज बाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द ग्रोथ कंडीशन। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर में तीसरा फैक्टर आता है, दैट इज द सनशाइन। सनशाइन के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहता है। सनशाइन के साथ अगर आप देखेंगे, सिट्रस एंड मैंगो फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन फुल सन जनरली हैड ए थिनर स्किन। अगर पूरी सनलाइट होगी, बहुत ज्यादा तेज सनलाइट होगी, सो द स्किन विल बी थिनर, ए लोअर वेट, लो जूस कंटेंट एंड लोअर एसिडिटी बट ए हायर टीएसएस। टीएसएस हायर होगा लेकिन जूस कंटेंट कम होगा, क्योंकि ज्यादा सनशाइन होगी तो उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशनल लॉसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जूस कंटेंट कम हो सकता है। तो जब जूस कंटेंट कम होगा तो टीएसएस भी बढ़ जाएगा, एसिडिटी भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है क्योंकि ज्यादा रेस्पिरेशन होगा। सो द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू द अदर कार्बोहाइड्रेट्स दैट विल बी हायर, सो दैट इज वाई द लोअर एसिडिटी में भी सीन इन हाई सनशाइन कंडीशन। कुल मिला के सिट्रस एंड मैंगो प्रोड्यूस फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन हाई सनशाइन, तो दे विल बी हैविंग थिनर स्किन, थिनर स्किन होगी, हायर टीएसएस होगा। सिमिलरली सिट्रस ग्रोन इन शेड मे बी लेस ससेप्टेबल टू चिलिंग इंजरी और स्टोरेज। तो अगर चिलिंग इंजरी का इंसिडेंस आता है तो शेड वाले जो फ्रूट्स होंगे उसमें चिलिंग इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। लीव शेडिंग ऑफ टोमेटो फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड डीपर रेड कलर ड्यूरिंग राइपनिंग। अगर राइपनिंग के दौरान जो कलर डेवलपमेंट होता है टोमेटो में, तो जो शेड में जो टोमेटो प्रोड्यूस होता है या पत्तों पुत्तों के नीचे ढक जाता है तो वो अच्छा कलर डेवलप करते हैं राइपनिंग के दौरान। साइड ऑफ द फ्रूट दैट हैव बीन एक्सपोज टू सन विल जनरली बी फर्मर देन द नॉन एक्सपोज साइड। तो जिस फ्रूट के जिस साइड का एक्सपोजर सन की तरफ रहता है तो वो जनरली फर्म होता है, एज कम्पेयर टू जो सन की तरफ नहीं रहता है वो सॉफ्ट रहता है। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सिट्रस में अलग अलग प्रकार के स्टोरेज रॉट्स, राइजोफर्स और एस्परजिलस के स्टोरेज रॉट्स आते हैं। सिमिलरली मैंगो पे भी बहुत सारे स्टोरेज रॉट्स आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत हद तक सनशाइन से भी
रिलेट इनको हम लोग कर सकते हैं। एक सिंगल फैक्टर गवर्न नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन सनशाइन कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। लोअर लाइट इंटेंसिटी लोअर द एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट। अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो एस्कॉर्बिक एसिड जो सिंथेसिस है वो भी नहीं होगी, इसलिए वो भी एस्कॉर्बिक एसिड कम होगा तो विटामिन सी कम होगा तो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी में फर्क पड़ता है। लीव्स आर लार्जर एंड थिनर अंडर लो लाइट इंटेंसिटी सो लोअर शेल्फ लाइफ। ये लीफी वेजिटेबल के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो लीफ बड़े हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो, और फिर शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अगर पतला लीफ होगा तो शेल्फ लाइफ कम होगी ऑब्वियसली। तो दिस इज हाउ द सनशाइन इज रिलेटेड टू द शेल्फ लाइफ एंड द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। देन द थर्ड फैक्टर इज द न्यूट्रिशनल फैक्टर, सॉयल एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। भाई सॉयल और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे। द फ्रूट फ्रॉम सैंडी सॉइल्स हैव लोअर फर्मनेस एंड द टीएसएस लेवल। जिस सैंडी सॉइल्स होंगी उसमें फर्मनेस भी कम होगी और टीएसएस भी कम होगा, इस प्रकार का कुछ ऑब्जर्वेशंस रिसर्च से निकल के आता है। हाई नाइट्रोजन रिड्यूस द शेल्फ लाइफ। नाइट्रोजन जो है ना वो सकुलेंस इंक्रीज करता है, सॉफ्टनेस सकुलेंस इंक्रीज करता है, तो जहां सकुलेंट ज्यादा होगा वहां शेल्फ लाइफ कम होगी। एंड हाई पोटेश एनहांसेज द शेल्फ लाइफ। तो पोटेशियम अगर ज्यादा होता है तो शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, अगर नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो आपका सर्कुलेंस ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेगा। एप्लीकेशन ऑफ पोटाश इंक्रीजेस द रेस्पिरेशन रेट एंड टॉप वाटरमेलन। अगर पोटेशियम का हम लोग स्प्रे करते हैं तो वाटरमेलन का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। सिमिलरली हाई नाइट्रोजन डिक्रीजेज द फ्रूट फ्लेवर, टीएसएस फर्मनेस एंड इंक्रीजेज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो अगर नाइट्रोजन अगर ज्यादा होगा तो वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी एनहांस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी है, बहुत अच्छा इंटैक्ट फ्रूट है। सिमिलरली जो ऑरेंज है वो भी बहुत अच्छा फ्रूट है, फर्म लग रहा है देखने से, जूसी लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं सो दिस इज द लेमन एंड इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज देयर। तो आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें लग रहा है, कि दबे दबे से कुछ स्पॉट्स हैं। सिमिलरली ये जो एप्पल्स हैं इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कुछ स्पॉट्स हमको नजर आ रहे हैं, बनाना के सरफेस पे भी कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। सिमिलरली इंटरनली ये पियर पियर के भी केस में आपको कुछ स्पॉट्स नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्रीज होंगे अगर नाइट्रोजन का एनहांसमेंट होता है। तो इसका रिलेशनशिप मैंने बताया, सकुलेंस जब हो जाती है तो फिर इसका ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी एनहांस करता है। फिर आता है कि दूसरे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में फॉस्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन का हमने देखा, नाइट्रोजन सर्कुलेंस इंक्रीज करता है लेकिन शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है, फर्मनेस इंक्रीज करता है द पोटेशियम। लेकिन फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस मैक्सिमाइजेस द वेट लॉस स्प्राउटिंग इन द बल्ब क्रॉप्स। तो बल्बस क्रॉप्स जो होंगी या जो ट्यूबर क्रॉप्स होती है वहां पे जो स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम होती है, अनियन में स्प्राउटिंग हो जाती है, गार्लिक में स्प्राउटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा, और पोटैटो में भी स्प्राउटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार ये स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब स्प्राउटिंग हो जाती है उसका मतलब शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, वो तो नया प्लांट बनना शुरू हो गया, तो अनियन भी नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, गार्लिक भी नया, इसका मतलब पुराना खत्म हो गया। तो वो जो कमोडिटी हमने स्टोर करी थी, सो दैट बिकम्स ए प्लांटिंग मटेरियल, दैट डजंट बिकम ए कमोडिटी टू बी कंज्यूम्ड। सो दैट इज हाउ द शेल्फ लाइफ इज अफेक्टेड। तो फॉस्फोरस का अगर एप्लीकेशन करेंगे तो वो इसको मिनिमाइज करता है। फॉस्फोरस का एप्लीकेशन मे बी रिकमेंडेड टू मिनिमाइज द वेट लॉस स्प्राउटिंग एंड रॉटिंग इन द बल्ब क्रॉप्स। तो इस प्रकार से फॉस्फोरस का एप्लीकेशन रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। पोटेशियम कुछ डिसऑर्डर्स को कम कर सकता है, सच एज सुपरफिशियल रिंड पिटिंग इन ऑरेंजेस। कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को पोटेश भी कम करता है। कैल्शियम ट्रीटमेंट में डिले राइपनिंग एंड सेनेसेंस एंड रिड्यूसेस द ससेप्टिबिलिटी टू चिलिंग इंजरी। अब आपने देखी चिलिंग इंजरी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज में चिलिंग इंजरी का बड़ा इशू आता है, खासकर वो क्रॉप्स जो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है या गर्म सीजन की क्रॉप्स होती है। यहाँ पे आप देखिए बनाना को अगर हम लोग कभी भी फ्रिज में रख देंगे तो ब्लैक 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 हो जाएगा, अंदर से भले ही ठीक होगा लेकिन बाहर से ब्लैक हो जाएगा, तो मार्केट पोटेंशियल खत्म हो जाता है। तो इसलिए इट इज सेंसिटिव टू चिलिंग इंजरी। तो इसलिए स्टोरेज टेम्परेचर 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री पे रखा जाता है बनाना। सिमिलरली जो हमारे कुकुरबिट्स आते हैं, कुकुरबिट्स में भी आपने देखा होगा अगर फ्रिज में कभी 4-6 दिन पड़ा रहे तो इस प्रकार से संकन स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, सो चिलिंग इंजरी के सिम्टम्स। इवन जो हमारा कैप्सिकम है, कैप्सिकम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कैप्सिकम में यू कैन सी दैट देर आर सम संकन स्पॉट्स। ये रॉटिंग नहीं होती है बट दिस इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड दिस मे बी देयर बिकॉज ऑफ द लोअर टेम्परेचर एक्सपोजर टू दोज कमोडिटीज विच आर सपोज टू बी स्टोर्ड एट हायर टेम्परेचर। तो इस प्रकार से दिस इज चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी पे अलग से एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा, किस प्रकार से सिम्टम्स बनते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इसमें आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ध्यान दें कि प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स भी चिलिंग इंजरी को अफेक्ट करता है, कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
फिर चलते हैं चौथे फैक्टर की तरफ जो कि कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कि भाई कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। मोर इरिगेशन पुअर द शेल्फ लाइफ, भाई इरिगेशन होने से क्या होगा कि सकुलेंस इंक्रीज हो जाएगी और शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। मोर इरिगेशन इन सिट्रस टर्जिड पील ऑयल ग्लैंड दीज ऑयल ग्लैंड दे आर रप्चर्ड एंड वेन द ऑयल ग्लैंड दे आर रप्चर्ड सो दे विल रिलीज द फिनॉलिक्स एंड कॉज द ओलियोसेलोसिस। ओलियोसेलोसिस ऑयल स्पॉटिंग ग्रीन स्पॉट्स ऑन कलर्ड पील, हरे हरे स्पॉट्स आपको नजर आएंगे कलर्ड पील्स पे, ऑरेंज में, सिट्रस फ्रूट्स में। तो दैट इज हाउ दिस इज द ओलियोसेलोसिस या ऑयल स्पॉटिंग, इसको हम लोग कहते हैं। फिर एक आता है क्वेलिंग, क्वेलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेलिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करने के बाद वहीं फील्ड कंडीशन में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ी सी अपनी टर्जिडिटी लूज कर जाए, खासकर अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा बहुत टर्जिड होते हैं, बड़े वाटरी और सकुलेंट टाइप के सरफेस रहता है सारे के सारे फ्रूट्स का या इवन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादातर। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पैक हाउस में ले जाने से पहले, क्योंकि वहां पे ब्रूजिंग और इस टाइप के डैमेजेस होते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि थोड़ा सा सरफेस मॉइस्चर वो लूज कर जाए। तो इसकी वजह से जो ब्रूजिंग होती है और फिर पोस्ट हार्वेस्ट जो रॉट्स हैं वो थोड़े डिक्रीज किया जा सकते हैं। हार्वेस्टिंग लेट्यूस इन द लेट मॉर्निंग एंड रिड्यूस द टर्जिडिटी एंड एनहांसिंग द शेल्फ लाइफ। तो इस प्रकार से कभी कभी रिकमेंड किया जाता है कि अगर पालक वालक को हम थोड़ी देर डिले कर दें हार्वेस्टिंग, उसको अर्ली मॉर्निंग की बजाय 11-12 बजे के करीब अगर हार्वेस्ट करेंगे सो दैट इट विल बी एनहांसिंग द शेल्फ लाइफ। सो दिस इस प्रकार से कल्चरल प्रैक्टिस से भी ये शेल्फ लाइफ और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। देन मूविंग फर्दर द प्रूनिंग वीडिंग ट्रेनिंग थिनिंग सो ऑल ऑफ देम दे आर देयर इन टू द कल्चरल प्रैक्टिस। तो अगर आपने देखा होगा ट्रेनिंग प्रूनिंग अगर प्रॉपर होती है तो लाइट पेनिट्रेशन अच्छी हो सकती है ट्री के बीच में, अंदर अंदर के तक ट्री के अंदर तक लाइट पेनिट्रेशन होगी। अगर अंदर तक लाइट पेनिट्रेशन होगी तो अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी, टीएसएस अच्छा बनेगा, फ्लेवर कलर अच्छे डेवलप होंगे और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रॉपर होनी चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। एग्रोकेमिकल्स का भी यूज किया जाता है, बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स का यूज होता है, खासकर जो हॉर्मोन्स वगैरह हैं तो उसको हम लोग यूज करते हैं। द प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द मैलिक हाइड्राजाइड इन अनियन, अगर अनियन में मैलिक हाइड्राजाइड का एप्लीकेशन करें तो स्प्राउटिंग को वो डिले कर सकता है स्टोरेज में। तो इस प्रकार से दैट इज वन ऑफ द एग्रोकेमिकल्स। सिमिलरली द कैल्शियम एंड बोरॉन प्री हार्वेस्ट स्प्रेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन एप्पल। एप्पल में बिटर पिट वगैरह डिसऑर्डर्स होते हैं सो उनको कम करने के लिए कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे रिकमेंडेड होता है। बिटर पिट एप्पल में बिटर पिट डिसऑर्डर रहता है। सिमिलरली द प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ जिब्रेलिक एसिड, तो जीए का स्प्रे कर देते हैं तो इट एनहांसिस द फर्मनेस एंड लेसर डिके एंड लॉसेज इन द स्टोरेज दे आर अचीव। सो एग्रोकेमिकल्स को भी हम लोग यूज करते हैं एज ए प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एनहांस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। एग्जामिनेशन में कभी आता है तो आप कुछ कुछ जैसे मैंने बताया दो दो चार चार एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो ये बड़ा ईजी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट देन यू हैव टू रिमेंबर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स इन ईच ऑफ द कैटेगरी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ। तो इन सब चीजों के बाद अब थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को एग्रोकेमिकल के केस में खासकर ओवर यूज ना करें, भाई ये बड़ा जरूरी है, डू नॉट ओवर यूज। रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड केमिकल्स को यूज ना करें और हार्वेस्टिंग के इमीडिएटली बाद या स्प्रेइंग के इमीडिएटली बाद कंजम्पशन के लिए मार्केटिंग के लिए ना ले जाएं उसको। तो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सेफ्टी गाइडलाइंस है पर्टिकुलर कंडीशन की, पर्टिकुलर कंट्री की, उसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। एथिकल गाइडलाइंस भी होती हैं कि भाई अगर मेरे बच्चे नहीं खा रहे हैं तो भाई किसी और के बच्चे तो खाएंगे, तो हम लोग ज्यादा स्प्रे ना करें एंड बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी यूज। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे WHO ने भी बोला है कि भाई जो प्लांट ग्रोथ है उसके लिए ग्रो इट सेफ, तो बोलते हैं कि भाई इसको आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, एग्रोकेमिकल्स का यूज रिस्ट्रिक्टेड तौर से करिए। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स जो हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं और हमको क्या करना चाहिए, ये भी इसमें आपने देखा होगा कि एज ए ग्रोअर, एज ए फार्मर, एज ए प्रोड्यूसर हम लोग क्या कर सकते हैं, या अगर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को ही देख रहे हैं तो भी हम लोग ऑन फील्ड जाके देखेंगे किस किस प्रकार के स्प्रे किए जा सकते हैं, जा रहे हैं कौन कौन सी कल्चर प्रैक्टिस, एग्रोकेमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, कल्चर प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, इन सब चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत होती है। और जब कभी भी ये किसी कंपनी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्री हार्वेस्ट चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू एनहांस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। तो आज के वीडियो में इतने ही बात करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड नए वीडियोस बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में जो आपके कोर्स करिकुलम से रिलेटेड हैं और फिर भी वैसे भी आपके आम आदमी की लाइफ के लिए भी जो बड़े कंसर्न और रेलिवेंट वीडियोस हैं वो लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।